सर्कुलर मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर पाथ में है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उसको एक फोर्स की जरूरत है। बिना फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव नहीं कर सकता। कोई भी ऑब्जेक्ट बिना एक फोर्स के सर्कुलर मोशन में मूव नहीं कर सकता। मतलब क्या कि उसको एक कांस्टेंट फोर्स बाहर से चाहिए होगा जो सर्कुलर मोशन में है। इसका मतलब है कि वहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है या फिर इंटरनल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। कोई भी फोर्स हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स हो चाहे इंटरनल फोर्स हो, फोर्स तो चाहिए। बिना फोर्स के कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में नहीं हो सकता। अब जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां पे एक सर्कुलर मोशन में है और इस सर्कुलर मोशन का, इस सर्कुलर पाथ का, जिस पाथ पे वो सर्कुलर मोशन में है, मान लेते हैं हम उसका रेडियस है r, ठीक है। अब इसका जो सर्कुलर पाथ है, अगर हम वन कंप्लीट पाथ की बात करें तो दिस वन कंप्लीट पाथ इज इक्वल टू 2 pi r, that is equal to circumference of circular path। मतलब ये इस सर्कुलर पाथ का circumference है जहां पे ये रोटेट कर रहा है, तो that circumference is actually 2 pi r अगर हम one complete path की बात करें। अब अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू करता है, ए से चलना शुरू किया, बी होता हुआ, सी होता हुआ, डी होता हुआ, ई होता हुआ, वापस ए पे पहुंचा, और वापस ए पे पहुंचने में मान लेते हैं कि उसको जो टाइम लग रहा है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कुलर मोशन, दैट इज इक्वल टू टी। मान लेते हैं हम यहां पे कि उसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम टेकन हियर इज टी सेकेंड। इस कंडीशन में अगर हम इस सर्कुलर पाथ की एवरेज स्पीड निकालें, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज स्पीड निकालने का जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ रखा है, वो पढ़ रखा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यही पढ़ रखा हमने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कंप्लीट पाथ में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, दैट इज 2 pi r। तो यहां पे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इन अ सर्कुलर पाथ विल बी 2 pi r अपॉन टी। ये बन जाएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, 2 pi r अपॉन टी। तो यहां पे जो एवरेज स्पीड इस ऑब्जेक्ट की आएगी वो कितनी आएगी? 2 pi r अपॉन टी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 2 pi r अपॉन टी। ये आ गया इसका एवरेज स्पीड। अब जैसे एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था पिछली क्लास में, पिछली क्लास में उन्होंने मुझे व्हाट्सएप करके एक क्वेश्चन पूछा था किसी बच्चे ने, मुझे नाम याद नहीं है। उसने मुझसे ये पूछा कि एक कोई वॉच है और वॉच की जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? अब मिनट हैंड आप देखोगे तो नॉर्मली पेरिफेरी को टच कर रहा होता है, सर्कमफेरेंस को टच कर रहा होता है, लगभग उसके बराबर में होता है। तो ये हो गया इस सर्कुलर पाथ का रेडियस। तो आपसे पूछा कि इसकी स्पीड क्या है, तो इसकी स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको मैंने क्या तरीका बताया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हियर विल बी 2 into π, π विल बी 3.14, 22/7 है ना, 22/7 है, तो 22/7
को अगर आप डिवाइड करोगे, मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, हो सकता है आपको वहां दिख ना रहा हो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 × 3.14 पाई आर लेंगे ना, 2 πr, तो 2 πr, पाई की वैल्यू कितनी आ गई, 22/7, 22/7 लिखो चाहे 3.14 लिखो, डिवाइड करके तो आपको ये वैल्यू यही आ जाएगी, इनटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 5, लेकिन यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर में गिवन है, तो आप अगर चाहो तो इसको सेंटीमीटर में भी रख सकते हो, अगर आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय 100 कर लो तो 0.05 हो जाएगा, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से सॉल्व करो या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। अब हमें समझना है कि यहां पे हम टाइम क्या लेंगे, इस मिनट हैंड को अगर मान लीजिए कि 12 यहां पे है और ये मिनट हैंड यहां पे है, अभी इधर की ओर शो कर रहा है, तो इस मिनट हैंड को वापस यहां आने में 1 घंटा लगेगा, है ना, मिनट हैंड को वापस यहां आने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा, लेकिन इसी जगह पे अगर सेकंड की हैंड होती, अगर सेकंड की हैंड होती तो इसको वापस आने में यहां पे सिर्फ 60 सेकंड लगता, 1 मिनट लगता, मिनट वाले की बात करें, मिनट हैंड की, तो ये ऐसे चल करके मिनट वाला जो हैंड है ऐसे चल के वापस यहां तक आती है, ठीक है, वापस यहां तक आती है कितने टाइम में, 1 घंटे में, तो हम यहां पे टाइम कितना ले लेंगे, 1 घंटा, लेकिन यही अगर सेकंड का रहेगा, सेकंड की यहां पे अगर सेकंड वाली हैंड रही तो फिर उसको घूम के वापस आने में सिर्फ 60 सेकंड का टाइम लगेगा, 1 मिनट वो वापस कंप्लीट कर लेता है, लेकिन अगर इसी जगह पे क्वेश्चन सबसे छोटे हैंड की हो, सबसे छोटी हैंड किस चीज की होती है, अब जैसे घड़ी में सबसे छोटी हैंड किस चीज की होती है, जैसे मान लीजिए ये वॉच है, दिख रहा है छोटा सा, दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा, छोटा सा, सबसे छोटा वाला जो है, इसको वापस यहां पे आने में कितना टाइम लगेगा, आवर वाले हैंड को वापस आने में 12 आवर का टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये यहां से स्टार्ट होगा 12 से, तो वापस 12 कब आएगा, 12 बजे रात में आएगा, तो वैसे में हम इसको 12 × 60 × 60 करेंगे, लेकिन अगर हम इसी में सेकंड वाले सबसे पतली वाली जो इसमें हैंड है सेकंड वाली वो 1 मिनट में आ जाता है, तो उसके लिए हम सिर्फ 60 सेकंड की बात करेंगे, लेकिन अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो वो 1 घंटे में वापस आ जाता है पूरा कंप्लीट रोटेशन करके, तो वहां पे जो है उसकी हम बात क्या करेंगे, 60 × 60, तो टाइम हमारा हो जाएगा 60 × 60, तो एवरेज स्पीड, अब इसको डिवाइड कर दो, तो ये याद रखना हम सेंटीमीटर में रखते हैं, तो ये सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा सेकंड, अगर इसी को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहां पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 5 / 100 कर दो, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन, लेकिन देखो यहां से इस तरह के क्वेश्चन तो कम आते हैं, यहां से मेन क्वेश्चन क्या आता है, सुनो मेन क्वेश्चन क्या आता है, ये क्लियर है यहां पर, अच्छा एक पॉइंट और है, यहां से दो पॉइंट है, किसी भी, मैंने अभी क्या बताया, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स की जरूरत होगी, अगर वो सर्कुलर मोशन में है तो, बिना फोर्स के वो रोटेशन सर्कुलर मोशन में नहीं हो सकता, बिना फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पक्की बात है, तो अगर सर्कुलर मोशन में नहीं हो सकता बिना फोर्स के, तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स तो रेस्पॉन्सिबल है ना, तो रेस्पॉन्सिबल फोर्स जो होता है वो कहां से क्रिएट होता है, रेस्पॉन्सिबल फोर्स क्रिएट होता है सेंटर से, तो ये जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स है जो इसको सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, जैसे मान लो कि आपने एक स्टोन ले लिया और इस स्टोन को यहां पे आपने रस्सी से बांध दिया, ठीक है, मान लो ये एक स्टोन है और इस स्टोन को आपने रस्सी से बांध दिया और उसको आप इस तरह से रोटेट कर रहे, मतलब यू आर प्रोवाइडिंग फोर्स फ्रॉम द सेंटर, तो उस तरह की फोर्स क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो फोर्स उसको सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल फोर्स है, जब कोई फोर्स सेंटर के बाहर की तरफ लगती है
जब कोई फोर्स ऑब्जेक्ट पे सेंटर पे बाहर की तरफ लगती है तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में डिटेल में आपको केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में पढ़ना है, वहां पे ये पॉइंट आएगा। अभी इस पॉइंट पे फोकस करो। ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, ये वाला जो फोर्स है दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। और ये कहां से क्रिएट हो रही है? दिस इज क्रिएटेड बाय सेंटर। ये कहां से क्रिएट हो रही है? सेंटर से क्रिएट हो रही है, ठीक है। और इस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे हम लगा रहे हैं फोर्स और उस स्टोन को रोटेट कर रहे हैं, मतलब यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज मस्कुलर फोर्स, जो हम यहां पे फोर्स लगा करके उस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं। घड़ी के बैटरी में जो रोटेशन सर्कुलर मोशन हो रहा है दैट इज क्रिएटेड बाय द फोर्स क्रिएटेड बाय द बैटरी। घड़ी की बैटरी में जो फोर्स क्रिएट हो रहा है दैट इज क्रिएटेड बाय द फोर्स ऑफ बैटरी। उसी तरह से कहीं पे कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो वहां पे एक फोर्स होना जरूरी है, बिना फोर्स के कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में नहीं हो सकता। चलिए ये बात तो सही है कि सर्कुलर मोशन में बिना फोर्स के नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट पे जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसका डायरेक्शन तो होगा ना। यहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट में जब वो सर्कुलर मोशन में होता है तो किसी भी पॉइंट पे उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होता है, हम लोग मान लो कि ये पॉइंट ले लें और इस पॉइंट पे सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन ऑफ मोशन देखें तो ये रेडियस हो गया इसका, इसका 90 डिग्री ये हमेशा कहां होगा? रेडियस के 90 डिग्री पे। अगर मान लो हम डी पॉइंट पे देखें तो डी पॉइंट पे सर्कुलर मोशन का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो किधर होगा? रेडियस के 90 डिग्री। ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा तो रेडियस के 90 डिग्री। अगर ई पॉइंट पे देखें तो ये रेडियस हो गया, किस रेडियस के 90 डिग्री इधर की। अगर ए पॉइंट पे देखें तो यहां पे ये रेडियस हो गया, इसके 90 डिग्री इधर की। अगर आप इस पॉइंट पे देखो बी वाले पॉइंट पे तो यहां पे ये रेडियस हो गया, इसके 90 डिग्री। ऐसे सी पॉइंट पे आ जाओ, सी पॉइंट ये हो गया और इसका रेडियस इधर हो गया। हमेशा रेडियस के 90 डिग्री। सर्कुलर मोशन जब भी होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है कोई भी ऑब्जेक्ट का, अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा उसके रेडियस के 90 डिग्री होगा। डायरेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ये जो है ना एक्चुअली जब रेडियस के 90 डिग्री पे कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो उस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। ये जो रेडियस है ना, रेडियस के 90 डिग्री पे जो ये लाइन ड्रॉ की जाती है ना, इसको क्या बोला जाता है? टेंजेंट बोला जाता है। तो हम इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन भी बोलते हैं। जैसे ये देखो टेंजेंट में हो गया ना, ये जब भी रेडियस कोई भी रेडियस है रेडियस के 90 डिग्री पे जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एज टेंजेंट। तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो क्या कहलाएगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन भी आप बोल सकते हो, या फिर टेंजेंशियल डायरेक्शन वर्ड यूज ना, या अगर ना रहे तो वैसी कंडीशन में आप क्या बोल सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा किधर होगा? रेडियस के 90 डिग्री में होगा टुवर्ड द मोशन। रेडियस के 90 डिग्री में होगा टुवर्ड द मोशन हमेशा सर्कुलर मोशन में होता है। तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फोर्स है दैट इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय सेंटर। और वो फोर्स जो सेंटर की टुवर्ड है, जो फोर्स उसको क्रिएट कर रही है दैट इज क्रिएटेड बाय द सेंटर। ये फोर्स जो सेंटर की टुवर्ड है यही इसको क्रिएट कर रही है। तो जो सेंटर की टुवर्ड फोर्स होती है, जो उसको क्रिएट कर रही होती है, उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कभी कोई फोर्स सेंटर के बाहर मतलब इसके जस्ट अपोजिट लगता है, सेंट्रीपिटल के जस्ट अपोजिट बाहर की तरफ, उसको सेंट्रीफ्यूगल बोला जाता है, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन। कोई भी सर्कल जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और हर एक पॉइंट पे ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए और हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया, ठीक है। हर एक पॉइंट जितने भी पॉइंट हैं देखो हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। जितने भी पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पे देखो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ के 90 डिग्री, इस पॉइंट पे देखोगे इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ के 90 डिग्री तो है वो इनफाइनाइट पॉइंट से बनी होती है। कोई भी सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से बनी होती है।
तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो उससे क्या होगा कि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने से क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा तो वहां से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी चेंज होने से क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एक्सीलेरेशन। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। चूंकि एक सर्कुलर मोशन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, देखो यहां पे हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, तो जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट होगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के चेंज होने के कारण दैट ऑब्जेक्ट विल सेड टू बी इन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो एनी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, भले इसमें एवरेज स्पीड हो सकता है, इट मे हैव एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होगी, बट दैट ऑब्जेक्ट विल सेट टू बी इन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज सेट टू बी इन एक्सेलरेटेड मोशन ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस, एंड इट हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स एट इन सर्कमफेरेंस। एनी सर्कुलर मोशन हैज इनफाइनाइट पॉइंट एट सर्कमफेरेंस, तो एट इनफाइनाइट पॉइंट इट विल चेंज द डायरेक्शन, सो इट विल सेट टू बी इन एक्सेलरेटेड मोशन। That is the reason, अगर मैरी गो राउंड पे कोई बच्चा घूम रहा है तो भले उसकी एवरेज स्पीड हो सकती है, बट दैट पर्सन विल सेट टू बी इन एक्सेलरेटेड मोशन। हमारी घड़ी की जो सर्कुलर वॉच होती है रोटेशन सर्कुलर मोशन में होती है ना, भले उसकी एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड हो सकती है, बट दैट ऑब्जेक्ट विल सेट टू बी इन एक्सेलरेटेड मोशन ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल। समझ में आ गया, तो ये हो गया हमारा सर्कुलर मोशन कंप्लीट, और ये हो गया हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, हमारा मोशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इसके एग्जाम्पलर को सॉल्व करना शुरू कर दो, सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए, जितने प्रोबेबल क्वेश्चंस थे सब कुछ बता दिए। इसकी असाइनमेंट अभी जो मोशन की है वो आपके पास में है, सॉल्व करना शुरू कीजिए, और इसके डाउट की क्लास में अगली क्लास जो भी हमारी फिजिक्स की होगी उसमें हम लोग एग्जाम्पलर के सारे डाउट डिस्कस करेंगे।